आजम खान के बयान पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का पलटवार। देखिए ये अपना पहले से ये हार से तड़प जो है उनकी वो दिखाई दे रही है, वो अपने आप को हार को पहले मान कर चल रहे हैं कि मुझे क्या क्या कहना है कि लोग ये कहेंगे कि अगर मैं हार गया प्रशासन में हरा दिया इसमें योगी जी ने हरा दिया। अरे भाई ये हारना जीतना जनता के हाथ, जनता जिसको तय करेगी वो जीतेगा, प्रशासन उसमें क्या, प्रशासन सिर्फ प्रशासन का काम रहता है कि कंट्रोल करना चुनाव का, उनका कोई प्रशासन का ये काम नहीं रहता कि वोट जो है लेके और बूथ तक लेके, वो पार्टी के हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। वो हताश है मुझे पता, बहुत परेशान है और परेशानी का सबूत आपके सामने पेश कर रहे हैं कि प्रशासन मुझे, लोग जो प्रत्याशी होते हैं पार्टी को टारगेट बना रहे हैं, नेता को टारगेट बना रहे हैं, वो प्रशासन को डीएम को टारगेट बना रहे हैं। तो मैं नहीं समझता वो उनकी ये हास्यास्पद बयान है और ये बुखलाया हुआ है। देखो प्रशासन जब आचार संहिता लग जाती है तो प्रशासन जो है बिल्कुल निष्पक्ष, किसी पार्टी का प्रशासन नहीं होता, निष्पक्ष चुनाव कराता है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ही चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लगा। जयप्रदा के बयान दानव कुमार ने रामपुर आई हूं उस पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पलटवार करते हुए कहा कि खान है, उन्होंने कहा कि जब जयप्रदा जी रामपुर आने की, उन्होंने कहा मैं एक दानव को मारने जा रही हूं, क्या कहने चाहेंगे? देखिए दानव को मारने की बात उन्होंने नहीं कही, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो यहाँ की जनता की आवाज थी, जो आवाज हमारे राष्ट्रपति नेतृत्व के पास पहुंची तो उन्होंने उनको प्रत्याशी बनाया, वो जनता में सेवा करने के रूप यहाँ पर आ रहे हैं और जनता की सेवा करेंगी। और अगर ये पूर्व मंत्री ये बातें ऐसी करते हैं तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे